نرقص بقى الكره في بيت الطفله يعني الله يرحمهم دي انت شو شو بلح जनार्दन छेत्री प्लस बिजनेस मैनेजर नॉर्थ ईस्ट बैंक चीनी ब्रोनोफर सुजुक यानी पंडाव चीनी महाराज सिर्फ जो लोग अगरतला में रहते हैं उनको मिलता है या उन जिसके पास पहले से पैसा है उनको मिलता है, लेकिन जो सच में गरीब है, जो सच में कुछ करना चाहता है, जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई चारा नहीं है, उनको ये सुविधा नहीं मिल रहा है। हमारा बात हुआ नॉर्थ ईस्टर्न स्मॉल फाइनेंस बैंक से कि जो भी हमारा जो तिपरासा लोग लोन लेंगे उसमें हमारा कंडीशन क्या होगा फ्रॉम द ईडीसी। पहला कि आपको ज्यादा कागज देने का दरकार नहीं है, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका जो लाइसेंस है वही काफी है लोन लेने के लिए। आपको और ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन देने का दरकार नहीं है, क्योंकि वरना आपको बार बार आकर बैंक जाना पड़ेगा और उसके लिए बहुत टाइम लगता है। तो बेसिक मिनिमम कागजात के साथ आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, अगर आप ऑटो लोन ले रहे हैं तो आपका लाइसेंस होना चाहिए, ये लेकर आप अपना लोन ले सकते हैं। दूसरा बात कि ये जो लोन है उसका इंटरेस्ट, क्योंकि आजकल लोन आपको नहीं मारता है, इंटरेस्ट आपको मार जाता है, तो ये जो इंटरेस्ट है वो TTAADC अपने तरफ से भरेगा आपको, और आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे करना पड़ेगा।
गाड़ी के लिए ये जो स्कीम है गाड़ी के लिए या ऑटो या पैसेंजर व्हीकल के लिए 4 लाख का है एंड फॉर अदर प्रोडक्ट्स इज 2,50,000 अप टू 3 लाख। यहां तक आप कोई भी लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा और गाड़ी का 4 लाख तक ऑटो तक 4 लाख तक है। ओ सिक्की बाबू अच्छा न्यूज है, 5 लाख तक है गाड़ी का, ना 4, 5 लाख और भी अच्छा है। तो इससे क्या होगा कि जैसे कि अगर किसी ने ऑटो लिया तो आपका पहला दिन से ही आपका इनकम शुरू हो जाए। और मैं चाहता हूं कि अपना तिप्रसा लोग के हाथ में इनकम आए, शिलोंग में और मैगजीन न्यूज़पेपर वाले को देता, खुद किया था नहीं। महाराजा ऑफ त्रिपुरा हो या युवराज ऑफ त्रिपुरा हो, कोई काम छोटा नहीं होता है। अपना काम था, अपना मैगजीन था, मैं जाता था सवेरे 5:30 इन द मॉर्निंग और न्यूज़पेपर वाला को अपना मैगजीन देता था। प्लीज रखिए, अगर ये मैं कर सकता हूं तो आपका भी कोई ईगो नहीं होना चाहिए। ये लोन से आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, स्मॉल खाने का होम स्टे कर सकते हैं, ऑटो लोन कर सकते हैं, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल आप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में आज मेघालय हल्दी बेच रहा है, पूरा इंडिया हल्दी खरीद रहा है मेघालय का। सिक्किम अपना हॉर्टिकल्चर और ऑर्किड बेच रहा है, पूरा इंडिया खरीद रहा है। त्रिपुरा में हम अपना अनारस, त्रिपुरा माता का सिंबल नहीं, हमारा जो अनारस है उसको अगर हमने अभी हम कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं, उसी को हमने ठीक तरीके से मार्केटिंग किया। अगर हमने अपना कटहल को ही ठीक तरीके से मार्केटिंग किया, बहुत चीज है। आप अपना खुद का कोई बोलता, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर चाय बेचता था, हम लोग चाय का दुकान क्यों नहीं खोल सकते। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करें। आपका जनरेशन अगर पैसा कमाएगा तो आपके बच्चे लोग और कमाएंगे। थोड़े दिन के बाद मैं दूसरे बैंक्स को भी बात करूंगा, अगेन मीडिया है, कि स्टूडेंट को भी लोन दिया जाना चाहिए, स्पेशली फॉर स्किल बिल्डिंग। अगर कोई स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट करना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट टेलरिंग करना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट कुकिंग क्लासेस करना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट कार्पेंट्री सीखना चाहता है, इंजीनियरिंग सीखना चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट मैकेनिक बनना चाहता है, कोई भी स्किल डेवलपमेंट हो तो उनको भी लोन मिलना चाहिए। और लोन का रिपेमेंट तब होना चाहिए जब स्टूडेंट का डिप्लोमा उनको मिल गया हो और उनको नौकरी मिल जाए, उसके बाद स्टूडेंट को उसका रिपेमेंट करना चाहिए। पढ़ने के लिए लोन लेकर अगले महीने से पेमेंट करने से स्टूडेंट पढ़ भी ठीक से नहीं सकता, काम भी ठीक से नहीं कर सकता। ऑपरेशन था स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो लोन प्रोसेस करने के लिए 5% रुपया दो, लोन प्रोसेस करने के लिए 10% रुपया दो। मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा वो आदमी का, लेकिन पूरा त्रिपुरा को मालूम है कि लोन प्रोसेस करने के लिए रुपया लेकर आपका लोन दिया जाता था। आई एम गिविंग अ स्ट्रिक्ट वार्निंग हियर टू एवरीवन, जिसको लगता है कि वो थोड़ा सा 10% रुपया खाकर हमारे तिप्रासा, गरीब तिप्रासा का लोन प्रोसेस करेंगे। क्योंकि अगर मुझे मालूम पड़ा कि किसी ने कुछ भी रुपया लेकर लोन प्रोसेस, आपका लोन चाहिए हमको थोड़ा रुपया, तो आपका लोन प्रोसेस हो जाएगा, अगर मुझे ये मालूम पड़ा तो हम आपको सेम डे सस्पेंड भी करेंगे और आपको अरेस्ट भी कराएंगे। अगर आपको पैसा कमाना है तो आप भी लोन ले सकते हैं, अगर आपको कुछ बिजनेस करना है आप भी लोन ले सकते हैं, लेकिन गरीब जनता से रुपया लेकर, उनको झूठ बोलकर, उनको आशा देकर रुपया लेकर बोले कि आपका लोन प्रोसेस होगा, आई विल नॉट टॉलरेट दैट नॉनसेंस। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर।
बहुत हो गया है, मैंने 1.5 साल में बहुत देखा है, और ये एटीट्यूड बहुत खराब है कि सबसे पहले मेरा पेट भरे उसके बाद सबका पेट भरे। इस एटीट्यूड से आप कभी भी ग्रेटर तीपरलैंड प्राप्त नहीं कर सकते। भाषण देने में हम लोग बहुत अच्छे हैं, भाषण देने में बहुत अच्छे, लेकिन काम का फॉलो अप मुझे देखना है। और जो लोग ज्यादा ऐसा ऐसा कर रहे हैं आज, वो सबसे पहले आपको मैं देखूंगा। आई नो, मैं जानता हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे सब मालूम है क्या होता है, तभी भी क्योंकि आप लोग सब मेरे ही तीपरासा लोग हैं। आई लव ऑल ऑफ यू, तो मैं बर्दाश्त करता हूं। लेकिन मुझे एक चीज अच्छा नहीं लगता है, जब अपने ही जाति के लोग अपने ही जाति के लोग के ऊपर अत्याचार करते थे, इसको मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। ये जो इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्टर्न स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्मॉल फाइनेंस बैंक को थैंक यू भी बोलना चाहता हूं, लेकिन मैं आशा करता हूं कि यही हमारा जो स्कीम है हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी करें, यही जो स्कीम है हम पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी करें, ग्रामीण बैंक के साथ भी करें। अगर ये जो मेघालय में किया गया है, आसाम में किया गया है, यही जो आज हम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, यही चीज आसाम में किया गया है, यही चीज मेघालय में हो रहा है, तो अगर हमने सक्सेसफुली किया तो हम आपको बोल रहे हैं बैंक का लाइन लग जाएगा आपको लोन देने के लिए, लेकिन हमको भी अपना लोन चुकाना है, क्योंकि एक बार हमने ठीक से काम कर लिया तो हम आपको बोल रहे हैं, बुबागरा आपको बोल रहा है, मैं एडीसी में बैंक का लाइन लगा दूंगा, बैंक आपके पीछे भागेगा, आप बैंक के पीछे नहीं भागोगे। आज प्रॉब्लम क्या है, आज एक टिपरासा बैंक के पीछे भागता है कागज लेकर, इस चेयर से वो चेयर, वो चेयर से वो चेयर, वो चेयर से वो टेबल। मैं ऐसा सिस्टम लाना चाहता हूं कि बैंक आपके घर आके बोले सर लोन ले लो, ये हमको करके दिखाना है, लेकिन इसमें आपका कॉपरेशन हमको चाहिए। आई नीड योर कॉपरेशन। और जो एजुकेटेड यूथ है, जो गवर्नमेंट का नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं आपको भी अपील करता हूं, कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। मैं अपने ही बारे बात करता हूं, 2006 में मैंने एक मैगजीन खोला TNT द नॉर्थ ईस्ट टुडे, मेरा महाराजा जिंदा था उस समय।